गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राॅइंग सेकेंड टुडेज टॉपिक इज रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट एंड आई एम प्रिंस त्यागी लेक्चर मैकेनिकल सो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू गैट आर वीडियोज इमिडिएटली सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सो so, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा आज का टॉपिक हुआ है रिबेट्स एंड रिवेटेड ज्वाइंट तो सबसे पहले जानते हैं कि रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है सो so, रिवेटेड रिवेट्स आर यूज टू फाशन परमानेंटली टू और मोर प्लेट्स और पीस ऑफ मेटल सो जो रिवेट्स हैं उनकी मदद से हम दो पार्ट्स को या दो पीसेस को हम एक साथ परमानेंटली ज्वाइन करते हैं रिवेट इज ए राउंड बार ऑफ स्टील और रोटायरन इट हैज हेड ऑन वन साइड एंड टेल ऑन अदर इट इज इंसर्टेड इन ड्रिल्ड होल मेड इन द पार्ट्स टू बी कनेक्टेड सो जो रिवेट है वो एक सर्कुलर uh, uh, या राउंड uh, बार से बनाया जाता है इसके एक साइड में हेड होता है जैसे कि बोल्ट uh, में होता है और दूसरे एंड uh, पे एक टेल होती है जिसको बाद में फोर्जिंग करके uh, उसको भी एक हेड की शेप दी जाती है सो आफ्टर इंसर्टिंग द रिविट टेल पार्ट इज फोज टू टेक द शेप ऑफ हेड सो फ्रेंड्स इसका एक फिगर हम देखते हैं जिससे ये और भी अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा सो so, uh, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रिवेट की फिगर uh, यहाँ पे है ये रिवेट का जो एक एंड पे हेड बना हुआ है ये रिवेट की बॉडी है और दूसरे एंड को थोड़ा सा टेपर शेप होती है जिसको हम बोलते हैं टेल और जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं दूसरा जो फिगर है इसमें हमको जो रिवेटिंग प्रोसेस है वो हमको दिखाया गया है सो ये हमारे दो पार्ट्स हैं जिनको हमको ज्वाइन करना है ये हमने रिवेट यहाँ पे नीचे से इंसर्ट कर दिया है सो जो हेड वाला पार्ट है ये यहाँ पे है ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है ये बॉडी हो गई रिवेट की और जो ये टेल वाला पार्ट है उसके बाद हम क्या करते हैं एक डाई की मदद से इसका जो टेल वाला पार्ट है इसके ऊपर से हैमरिंग करते हैं जिसको हम रिवेटिंग हैमर बोलते हैं और इसको जो इसका टेल वाला पार्ट है इसको भी एक हेड की शेप में फोर्स कर दिया जाता है सो so, ये जो शेप जो हमको हेमिस्फेरिकल जैसा दिख रहा है ये इसकी फाइनल शेप है या पोजीशन कह सकते हैं और ये हमारा ज्वाइन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए ये रिवेटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो ये जो फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवेट ज्वाइंट सो फ्रेंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ रिवेट्स। जो ये रिवेट है हम इनको सो रिवेट आर यूज इन स्ट्रक्चरल स्टील वर्क रूफ ट्रसेस, ब्रिजेस शिप्स एक्सेट्रा तो जो रिबेट है रिबेट और रिबेट जॉइंट है हम स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज करते हैं रूफ की जो ट्रसेस होती हैं उन्हें बनाने में यूज करते हैं जो ब्रिजेस आपने देखे होंगे ब्रिजेस में भी रिबेट जॉइंट का यूज किया जाता है इसके साथ ही जो शिप होते हैं शिप में भी रिवेट्स का यूज किया जाता है इसके अलावा अगर घर में आप देखेंगे जो प्रेशर कुकर होता है उसके हैंडल पे भी कई बार रिवेटिंग की मदद मतलब से जॉइंट लगाया हुआ होता है सेकंड रिवेट जॉइंट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एरोप्लेन बॉडी बॉयलर एंड प्रेशर वेसल ये भी एक रिवेट जॉइंट का एक जो एक्सटेंसिव यूज होता है एर, जो हमारा एयरप्लेन होता है उसकी बॉडी बनाने में बॉयलर्स बनाने में और जो प्रेशर वेसल्स है जिसमें हम हाई प्रेशर लिक्विड uh, या गैसेस स्टोर करते हैं वहां पर रिवेट uh, rivet और रिवेटेड जॉइंट्स का यूज करते हैं सो so, फ्रेंड्स uh, uh, हमारे पास में कई तरह के uh, कई प्रकार के रिवेट्स होते हैं जिनको जनरली हम तीन पार्ट्स uh, में डिवाइड करते हैं सो फर्स्ट इज बॉयलर रिवेट्स, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल रिवेट्स एंड थर्ड इज जर्नल पर्पज रिवेट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉयलर रिवेट्स दीज रिवेट्स जैसे कि आप नाम से दे सकते हैं कि बॉयलर रिवेट है तो मतलब जो बॉयलर के फेब्रिकेशन में हम यूज करते हैं उन रिवेट्स को बॉयलर रिवेट्स बोलते हैं रिवेट्स यूज टू ज्वाइन थिक प्लेट्स इन बॉयलर फेब्रिकेशन दीज आर ए स्ट्रांग एनफू बियर दाई प्रेशर ऑफ स्टीम इन द बॉयलर एंड दिस मेक्स ए एयर टाइट और लीक प्रूफ ज्वाइंट सो so, ये जो प्रेशर बॉयलर में एक हाई प्रेशर ऑफ स्टीम होती है जैसे कि आपको पता है तो उसको ये बियर कर सकता है उसको झेल सकता है और इनका जो जॉइंट होता है वो लीक प्रूफ होता है क्योंकि अगर लीक प्रूफ नहीं होगा तो जो स्टीम है वो उन जॉइंट से निकलता रहेगा जो कि किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है जो नियर बाय काम कर रहा है या वहां से गुजर रहा है तो जो हाई प्रेशर स्टीम है वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है दूसरा जो हमारा स्टीम का लॉस भी हो रहा है क्योंकि हम स्टीम जनरेट करने में एक एनर्जी यूज करते हैं या तो फ्यूल की हो गई या किसी भी एनर्जी सोर्स से पानी से स्टीम को कन्वर्ट करते हैं तो वो भी हमारा एक लॉस सम रिविट विच आर यूज इन बॉयलर सो फर्स्ट इज स्नैप हैड ये बॉयलर है uh, का जो रोइ रिविट, रिविट है ये uh, अगर हमारा जो रिविट का जो पॉडी है उसका डायर डी है तो उसी के रेशियो में हमें सारे डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए हैं, uh, ये यहाँ पर पॉइंट सेवन डी इसकी हेड की हाइट होगी जो हेड की अक्रॉस जो विड्थ है वो वन पॉइंट सिक्स डी और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टेपर यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है जो सेंटर से जो एक्सिस है उससे सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाता है तो ये जो हाइट है ये पॉइंट वन टू फाइव डी है ऐसे ही ये दूसरे टाइप ऑफ हेड है इसको हम पैन हेड बोलते हैं ये कुछ ट्रेपेजोडल शेप जैसा है जो आप फिगर में देख सकते हैं सो so, यहाँ पे भी अगर डी है हमारा रिवेट का डाया तो उसी के रेशियो में ये हाइट्स और डायमेंशन उसकी दी हुई है इसकी हाइट है पॉइंट सेवन डी जो ऊपर वाली जो साइड है ये डी है और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वन पॉइंट है अगेन यहाँ पे जो ये टेपर वाला एक पार्ट आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस पॉइंट वन टू फाइव डी है और ये एक्सिस से फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहा है अगेन देर इज ए नेक्स्ट इज पैन हेड बी ये भी पैन हेड है लेकिन जो इसकी डायमेंशन है ये इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है सो so, ये बड़ा है यहां पर जो यहां पर हेड की हाइट है वो डी के बराबर है जबकि जो ये वाला है इसमें पॉइंट सेवन डी है और जो इसकी वर्थ है वर्थ में भी डिफरेंस है जो ऊपर वाली साइड है वो डी है और जो बॉटम है वो वन पॉइंट फोर डी है नेक्स्ट वन इज एलिप्सोडियल हेड इसके भी जो डायमेंशन हैं और रेडियस हैं वो हमें डी के रेशियो में ही दिए हुए हैं जो हेड का रेडियस है वो 1.6 पॉइंट डी है और इसका जो बॉटम है वो भी ऑब्वियसली 1.6 पॉइंट डी होगा जो हाइट है वो पॉइंट डी है और अगेन यहाँ पे जो टेपर है वो 0.125 टू डी और एक्सिस से ये एंगल अगेन 60 डिग्री का बना रहा है एंड द लास्ट वन इज कॉनिकल हेड इसकी भी जो रेशियोज हैं हमें डी के जो रॉड या रिबेट का जो डाया है उसके रेशियो में यहाँ पे दिए हुए हैं सो दिस इज 1.05 पॉइंट डी इसकी हाइट है जो ये अक्रॉस इसकी विर्थ है 1.6 डी और ये रेडियस हमको यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 डी और जो यहाँ का जो रेडियस है वो 1.5 पॉइंट फाइव सो फ्रेंड्स इसमें एक जो सभी जो रिवेट्स हमने यहाँ पे देखे उनमें एक चीज जो कॉमन है कि यहाँ पे एक हेड के नीचे एक टेपर हमको दिया हुआ है और उसके बाद में हमारा रिवेट की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है तो ये जो टेपर है ये एक्चुअली ज्वाइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए दिया गया है इसकी मदद से जो हमारा ज्वाइंट है वो लीक प्रूफ बनता है। सो फ्रेंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ज्वाइंट रिवेट्स इन रिवेट्स का यूज हम स्ट्रक्चर्स uh, में करते हैं जैसे आपने देखा होगा uh, जो uh, जैसे हाईवे पे अगर आप जाएंगे टोल में आप देखेंगे तो वहां पे ट्रसेस पूरा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो एक ट्रस पे रुका हुआ होता है ऐसे ही ट्रसेस आप पेट्रोल पंप वगैरह पे भी आप देख सकते हैं कि वो पूरा एक ट्रस का स्ट्रक्चर या जो एंगल्स है उनका स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर में रूफ को फिक्स करते हैं जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रसेस ऐसे ही जो स्ट्रक्चरल वर्क्स होते हैं उनमें इनको यूज करते हैं जो ब्रिजेज में आप देखेंगे जो मेटल से ब्रिज की बॉडी बनी होती है जिनकी तो वहां पे आप अगर नीचे देखेंगे तो जो आई सेक्शन लगे होते हैं ब्रिज में नीचे की साइड में वो जो दो पार्ट्स हैं वो रिवेटेड ज्वाइंट की मदद से ज्वाइन किए जाते हैं ऐसे ही एरोप्लेन की जो बॉडी है उस पर भी रिवेट्स यूज किए जाते हैं रिवेटेड ज्वाइंट हम वहां पर यूज करते हैं और शिप्स में भी सो so, यहां पे देख सकते हैं यहां पे भी हेड है फर्स्ट इज स्नैप हेड और यहां पे देखिए सकते हैं आपकी जो टेपर वाला पार्ट हमने पिछले वाले रिवेट्स में देखा था वो यहां पे मिसिंग है डायमेंशन अगेन हमें जो डी है उसके रेशियो में यहां पे दी हुई है इसकी वेर्थ है वन पॉइंट सिक्स डी एंड हाइट इज पॉइंट सेवन डी ये अगेन पेन हेड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट है वो पॉइंट सेवन डी है और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको एक आ, रेडियस हमने दिया हुआ है कर्वेचर हमने दिया हुआ है जिसका रेडियस है पॉइंट जीरो एट डी और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है और इसकी जो ऊपर वाली जो है वो हेड में यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट है या कि इसको कह सकते हैं वो है विद हेड विद टेपर नेक तो यहाँ पे जो हेड है और जो मेन बॉडी है रिवेट उसके बीच में एक टेपर हमने दिया हुआ है और ये टेपर जो एंगल बनाता है एक्सिस पे वो है 15 डिग्री और इसकी हाइट जो है वो 0.5 फाइव डी है और जो हमारा पेन हेड है उसकी हाइट 0.7 सेवन डी होगी और वृथ 1.6 पॉइंट सिक्स डी यहां पे है देन नेक्स्ट इज राउंडेड काउंटर संक हेड इसमें uh, ये एक टेपर है और उसके ऊपर एक राउंडेड uh, हेड हमको मिला है जैसे कि इसके नाम से हम देख सकते हैं जो ये तो काउंटर संघ का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो रिवेट uh, है वो होल में uh, ही चला जाता है मतलब होल के ऊपर एक सरफेस uh, uh, बना के वहां पे उसमें फ्लश हो जाता है एक तरीके से सरफेस पे ऊपर नहीं दिखता है और इसके डायमेंशन हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी ये टेपर लेंथ uh, है ये पॉइंट डी है वर्थ uh, इसकी न पॉइंट फाइव डी है और जो ये टेपर का एंगल है वो सिक्सटी डिग्री है और ये जो इस इसपे ऊपर राउंडेड सरफेस है इसका रेडियस पॉइंट फाइव डी अगेन ये फ्लैट काउंटर सरफेस काउंटर संक हेड है इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि जो ऊपर में सर्कुलर जो सरफेस हमको दिखाई दिख रही है वो यहाँ पे मिसिंग बाकी ये एग्जेक्टली सेम नेक्स्ट इज जनरल पर्पज रिवेट्स जनरल वर्क एंड आर मेड ऑफ कॉपर ब्रास एंड माइल स्टील सो ये जितने भी रिवेट्स हैं हम देख सकते हैं ये जनरल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं तो so, इसमें भी हेड शेप आर सेम स्नैप हेड पैन हेड देन ये इसमें मशरूम हेड एंड काउंटर संक हेड लेकिन यहां पे जो काउंटर संक हेड है उसका एंगल डिफरेंट है यहां पर जो एंगल है वो 120 डिग्री है और जो हाइट है दैट इज पॉइंट टू फाइव नाइन डी और ये इसका जो डाया यहां पे है ये टू डी ऐसे ही जो हमारे मशरूम हेड है इसकी हाइट पॉइंट फाइव डी है और ये जो इसका जो बॉटम पार्ट है उसकी जो डाया है वो टू पॉइंट टू फाइव डी है और ये जो रेडियस ये जो कर्वेचर है उसका रेडियस है वन पॉइंट फाइव टू डी सो फ्रेंड्स एक जो हमारे रिपीटेड जॉइंट्स होते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इज कॉकिंग एंड सेकंड इज फुलरिंग सो कॉकिंग एंड फुल्डरिंग बोथ आर द प्रोसेस जिससे हम जो रिवेट ज्वाइंट है उनको लीक प्रूफ बनाते हैं सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ज्वाइंट लीक प्रूफ इन दिस प्रोसेस एज ऑफ द रिवेट हेड एंड एज ऑफ द प्लेट आर बर्ड विद द हेल्प ऑफ ए कॉकिंग टूल सो जो जैसे कि आप यहां पे फिगर से भी देख सकते हैं कि इसमें एक कॉकिंग टूल होता है जिसकी मदद से हम जो प्लेट्स हैं उनकी जो एजिस हैं सिर्फ एजिस को प्रेस किया जाता है और ऐसे ही जो रिवेट हेड है उसकी जो एज है उसको भी प्रेस किया जाता है जिससे कि जो ये रिवेट्स हैं ये जो एजिस हैं इनकी एजिस सील हो जाती है प्लेट के साथ में ऐसे ही ये जो एज है दूसरी प्लेट के साथ में सील हो जाती है और एक आ, लीक प्रूफ ज्वाइंट हमें मिलता है यहां पे आप देख सकते हैं जो कॉकिंग टूल है इसकी जो व्यर्थ है वो थ्री टू फाइव एमएम तक होती है इससे ज्यादा व्यर्थ इसकी नहीं होती है नेक्स्ट इज फुलरिंग जैसा कि मैंने बताया कि ये भी एक लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने का प्रोसेस है लेकिन ये सिर्फ प्लेट की एजेस पे ही अप्लाई होता है सो इन दिस प्रोसेस होल ऑफ द एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट आर बर्ड विद द हेल्प ऑफ फुलरिंग टूल इसमें जो कॉकिंग से डिफरेंट है कॉकिंग में एक्चुअली जो टूल है उसकी थिकनेस सिर्फ थ्री टू फाइव एम तक होती है लेकिन यहां पे रिंग में जो हमारी uh, जितनी थिकनेस uh, जो पार्ट है या प्लेट है उसकी होगी उतनी ही थिकनेस हमारी रिंग टूल की भी होगी जिससे ये पूरा का पूरा जो एज है इसको ही हम प्रेसर करते हैं प्रेशराइज करते हैं जिससे कि ये ज्वाइंट हमको एक लीक प्रूफ ज्वाइंट बन जाता है और फुल रिंग जो है वो रिवेट हेड पे नहीं किया जाता है तो दिस इज ऑनली एप्लीकेबल फॉर द एंड ऑफ प्लेट्स सो ये कॉकिंग एंड रिंग these are the process of making joint leak proof so friends uh, before discussing uh, the joints uh, there are some uh, general terms and uh, empirical uh, relations uh, uh, in the riveted joint that uh, needs to be discussed and are very important so first of all देर इज डायामी ऑफ रेविट सो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको अनविंस फॉर्मूला बोलते हैं उस फॉर्मूला से जो डाया ऑफ रिवेट है देट इज टू बी इक्वल टू डी इक्वल टू रूट टी वेर टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट्स टू बी ज्वाइंट सो अगर हमें क्वेश्चन uh, में डाया ऑफ रेविट नहीं दिया है तो हम थिकनेस ऑफ प्लेट से कैलकुलेट uh, कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज पिच

सेम प्लेट इज कोल्ड डाइगनल पिच सो जो दो बराबर अगर रिवेट्स की दो लाइन है तो दोनों लाइन के बीच में रिवेट्स का जो डायगनल रिवेट्स लगे हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डायगनल पिच एंड इट इज इक्वल टू डिनोडेड बाय पी डी एंड इज इक्वल टू टू पी प्लस डी डिवाइडेड बाय थ्री ये भी हम जो जॉइंट का फिगर है उसमें एक एक करके समझेंगे सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट इज मार्जिन सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड मार्जिन एंड इट इज गिवन बाय एम इक्वल टू वन पॉइंट फाइव डी सो जो हमारा सबसे बाहर वाला जो रिवेट है उससे और प्लेट की जो एज है या उसका किनारा है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मार्जिन सो इट इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव डी नेक्स्ट इज बैकपिच सो डिस्टेंस बिटवीन रोज ऑफ रिवेट्स जो दो आ, रोज हैं बराबर बराबर की जो अगर दो रोज में रिविट लगे हुए हैं तो उन दोनों रोज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बैक पिच और इसे इट इज गिवन बाय 2d डी प्लस सिक्स फोर चेन टाइप ऑफ रिवेटिंग एंड 2d डी फॉर जिग्जेक रिवेटिंग ये चेन रिवेटिंग और जिग्जेक रिवेटिंग क्या होते हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स फॉर बड ज्वाइंट सो फ्रेंड्स हमारे पास में जनरली दो टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं रिवेट्स में एक है लेब ज्वाइंट और दूसरा है बड ज्वाइंट इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे सो so जो बड ज्वाइंट है उसमें हम कवर प्लेट्स यूज करते हैं और अगर सिंगल कवर प्लेट यूज कर रहे हैं देन उस कवर प्लेट की थिकनेस होगी वन प्वाइंट वन टू फाइव टी जहां टी हमारी मेन प्लेट की थिकनेस है और अगर दो डबल कवर प्लेट यूज कर रहे हैं तो उसकी एक कवर प्लेट की थिकनेस होगी पॉइंट सिक्स टू फाइव टी सो फ्रेंड जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे देखी हैं उनको यहाँ पे हम बताते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस किया था वो था डाय ऑफ रिविट तो डाय ऑफ रिविट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस से अगर हमें ये यह थिकनेस यहाँ पे जो दी हुई है मेन प्लेट की जो बीच में है इसकी थिकनेस अगर टी है तो डाया हम निकाल सकते हैं बाय सिक्स रूट टी नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर था दैट वाज पिच सो पिच हमने बताया था कि एक ही रो में जो दो रिवेट्स uh, हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पिच एंड उसका जो फॉर्मूला है uh, उसे कैलकुलेट करते हैं पी इक्वल टू थ्री डी सो नेक्स्ट वाज डायगनल पिच सो हमारी एक रो है रिवेट्स की ये दूसरी रो है रिवेट्स की ये सो so, एक रो से दूसरे रो के बीच के जो आ, आ, रिवेट्स लगे हुए हैं डायगनली उनके बीच की जो दूरी है दैट इज डायगनल पिच सो डायगनल पिच इज दिस देन नेक्स्ट इज बैक पिच बैक पिच हमारा आएगा दो रोज के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हमारी बैक पिच है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टू डी प्लस सिक्स पे क्योंकि ये चेन टाइप का ज्वाइंट है तो इसमें टू डी प्लस सिक्स है और एक हमने जो कैलकुलेट डिस्कस किया था वो है मार्जिन सो मार्जिन इज जो हमारा आउटर मोस्ट रिबिट है उससे और जो प्लेट की जो एज है जो उसका किनारा है उसके बीच की जो दूरी है दैट इज वन पॉइंट फाइव डी सो ये मिनिमम वन पॉइंट फाइव डी होना ही चाहिए सो uh, फ्रेंड्स so uh, आज की uh, वीडियो में हम uh, यहीं तक डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट